15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर हम चाड़ा गांव के अंदर आए हैं। हम घर मालिक के वहाँ एक नागिन आई हुई है और नागिन पकड़ने के रेस्क्यू करने के लिए हम जा रहे हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर चाड़ा गांव के अंदर आए हैं और जहां सांप आया हुआ है वहां घटना स्थल पर हम पहुंच चुके हैं और देखते हैं सांप कौन सा है, खतरे वाला है या खतरे बिना का। लेकिन जो भी होगा इसको हम सही सलामत पकड़ेंगे और बर्डीमापुर के जंगल विस्तार के अंदर रिलीज कर देंगे। धन्यवाद। हम सांप का रेस्क्यू करने जा रहे हैं। और हमने अभी देखा तो खतरे वाला सांप है। ये सांप किसी को काटता है तो इंसान मर सकता है। ऐसा भारत का स्पेक्ट्रिकल कोबरा सांप है। ऐसे सांप से आप सावधान रहिए। हम हमारे वीडियो में बार बार कहते हैं भाई के कोई कोबरा सांप हो फैन वाला तो आप इसे सावधान रहिए, क्योंकि ये काटता है तो इंसान की हालत खराब कर देता है। अभी केसरपुरा में एक लड़की को काटा है, 90,000 रुपये उनको खर्चा भी हो गया और अभी हालत गंभीर है। इसीलिए हम कहते हैं भाई घरों में सांप आ जाए तो किसी रेस्क्यूअर हमारे जैसा हो इसको बुलाकर पकड़ाकर सही सलामत जंगल में छोड़ दो। शाम का रेस्क्यू कर रहे हैं। हम शाम को पकड़ रहे हैं। लगभग 3 से 3.5 फुट लंबी नागिन है और इसने सुंदर मामा का भोजन किया है। अब हम खाके सामने वाले रसोई के अंदर आराम फरमा रही थी, क्योंकि उसने उंदर मामा का भोजन किया है, इसीलिए आराम कर रही थी। लेकिन हम आए घर वाले घर के अंदर गया और देखा उंदर नागिन है, हमें कॉल किया। हम 15 से 20 मिनट के अंदर यहाँ चाड़ा गाँव में आ गए और इस नागिन का रेस्क्यू कर लिया, जिसको हम अब सही सलामत डब्बे के अंदर पूरेंगे। लगभग 15 से 20 दिन पहले यहाँ से एक सिंह विस्तार के अंदर से नाग और नागिन का रेस्क्यू किया था। वो हमारा वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था और उसी गांव के अंदर ये एक नागिन आई हुई है और ये मोहल्ले वाले डर गए थे, इसीलिए हमें बोल दिया हम आए और हमें इसके रेस्क्यू कर लिया। अब इसको हम डब्बे के अंदर पूर रहे हैं। हमने इस नागिन को वहाँ मेहनत के बाद पकड़ लिया है और इस डब्बे के अंदर हम कैद कर रहे हैं। बनने से हादसा भी हो सकता है, इसलिए हम सावधानी से काम करेंगे। कोरिया वीडियो ले जाओ भाई, दुनिया तो जाए ताड़ो दुनिया तो जाए ताड़ो खाए खाए कौन का फोन है पे ये इसको हमने सही सलामत पकड़ कर और आजू बाजू छेद कर दिया है, क्योंकि इसकी भी जान जल्दी रहे और हम 10 से 15 मिनट की दूर बाद इसको जंगल विस्तार के अंदर रिलीज कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।
સાપ આવ્યો તો તે રહોડામાં બેસી ગયેલો હતો. તમે ખેડાલુજી પકડવા વાળોને બોલાવી અને અમે આપ પકડાઈ દીધો. સલામતી જંગલમાં છોડી દીધી. જંગલમાં છોડી દેવાના છે. पकड़ लिया है और हम इसको हम जंगल विस्तार में छोड़ने के लिए चल रहे हैं. धन्यवाद. हेलो दोस्तों, हमने अभी अभी चाड़ा गांव से इस नागिन का जो रेस्क्यू किया है उसको हम जंगल विस्तार के अंदर रिलीज करने आए हुए हैं. धन्यवाद. इस नागिन ने 30 मेंढक का मारण करके खाया हुआ था. इसको जंगल विस्तार में हम सही सलामत छोड़ दी. जय जय हिंद, जय भारत.